खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में ताजिया दफन करने जा रहे ताजदारों और अन्य समुदाय युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ता गया कि ताजदारों ने मौके पर ताजिया रखकर बवाल करने लगे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और SDM ने समझाने के बुझाने के बाद ताजदार ताजिया दफन करने को तैयार हुए। आपको हम बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला है सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इटकौली तिराए के करीब का, जहां ताजदार अपनी ताजिया लेकर स्थानीय करबला में दफन करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही एक आम की डाल पड़ी जिससे ताजिया टूटने का खतरा था। उसी कारण ताजदारों ने डाल को काट कर हटा दिया, जिससे ही सही सलामत ताजिया करबला में दफन हो सके। लेकिन यही बात कुछ युवकों को नागवारा गुजरी और वो लोग ताजदारों से मारपीट कर मौके से फरार हो गए। गुस्साए ताजदारों ने वही बवाल काटना शुरू कर दिया और ताजिया को दफन करने से इनकार कर दिया। सूचना के बाद आनन फानन में मौके पर पहुंची SDM जयसिंहपुर और थाना अध्यक्ष गोसाईगंज की टीम ने विवाद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर ताजिया आगे बढ़ी और करबला में दफन हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। अरे यार इसके घर से बीचों बीच घर में हम लोग कोई उनके बाप का सम्मान करते हैं, हम लोग को भी करते हैं, मगर ये लड़का जब से आ गया ये सबसे हर साल भी बात करते इतनी बड़ी डाल के लेकर के पिछली मरतबा हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था तो इंस्पेक्टर साहब ने उसमें जो है अरे भैया हर सलिए का ढक होता है ये विकास भाई और विशाल दोनों यही सामने खड़े, इतनी मोट डाल कटी है और यही प्रकारी जगह भरा है आपके खिलाफ बताइए कितने लोग के बीच में कर रहा है। और सर एक मिनट जी, एक मिनट, पूरी बस्ती हमारे यहाँ खबर होती है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई अगर इतराज किए हो खाली यही इतराज करता है, कोई नहीं करता, अब कोई अगर इतराज यही कर रहा है। नहीं सर, हर अगले साल के लिए टिकट ये हो जाएगी, ये रास्ता बंद हो जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगी। 2018 से ये मामला चल रहा है, अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ, हम लोग ऐसे हर साल खाली लड़ते हैं और लड़के अपने घर चले जाते हैं। लड़ना है ना लड़ाना है, प्रेम से पहले त्योहार मना लो, उसके बाद बैठ करके पहले देख लो इस बार देखो क्या होता है। आर्थिक लिखी हुई बात मैं आपको दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, आपके थानाध्यक्ष गोसाईगंज ने इस बात को लिख दिया है, इसके बावजूद नहीं हो रहा है तो कैसे मान लें आप हो जाए, हर साल तो यही हो रहा है। ठीक है, लिखित नहीं है फिर अच्छा संपर्क फैसला हो जाएगा, ना तुरंत पहले शांत सुनो, ना पहले शांत ढंग से।